ये सारी लेक है, इसके इर्द गिर्द हम पहले भी वॉक कर रहे थे और अब भी वॉक कर रहे हैं। और वो आइलैंड में जो बर्ड हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल लेक, काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 2-3 माइल की है, माइल इधर को जाते हुए माइल उधर को, और 4 चफेरे हैं, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सारे इसमें बर्ड भी हैं। अब हम घूम फिर के वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं और हवा भी चल रही है। जब हम आए थे तो काफ़ी धूप थी और यहाँ पर भी आप देख लें कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। लेक कितनी साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही है। उस जगह पे तो बहुत सारे बर्ड्स हैं। हमने सोचा कि उधर को जाने की बजाय हम लेक के साथ साथ ही वापस चले जाते हैं, ताकि आप भी दोबारा से लेक का दीदार कर लें। लेक कहते हैं तालाब को, जो पानी का तालाब होता है। यहाँ पर देखें ये फूल है और उसके में पर कितनी सारी डक्स हैं। आज नजर आना हमने इधर तुरी जाना तो आज दरख्त आ देखे ना, ये बिच पिक्चर कितने की डिश होनी है। ये फिर एक क्लिप बन जाएगा। वैसे अपन राइट पाथ ते हैगे हां भला। देखा कितना समय लगता है, स्मॉल स्ट्रीम और रिवर गोइंग बाय हियर बिकॉज देयर आर सो मेनी वीड वी कांट गो थ्रू। मेरे ख्याल स्टेडियम दे विच भी ढोल ढमके बज रहे हैं, है ना, कोई अवार्ड वगैरह दे रहे होंगे ना, स्पोर्ट्स सेंटर। दिस इज अ river and there is just turn into little stream। ये river आके बहुत ही छोटा सा हो जाता है और इस तरह चलता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा trees हैं इर्द गिर्द इसके ना। इधर देखिए यहाँ पे waterfall है जो river से आ रहा है। वॉटरफॉल नहीं नजर आ रही, वो देखें जाए यहाँ पे वॉटरफॉल हो रहा है। हाले तो सुबह सुबह का टाइम है मेरे ख्याल, हाले तो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे, है ना। बता दूर तो नहीं ना इतना, इतना निकल के फिर सीधा अंदर जाके फिर शोरूम पर देखिए कितना प्यारा सा वॉटरफॉल बनाया हुआ है। छोटी सी नदी है, स्ट्रीम है जो जा रही है,
अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम आपके को दिखाते रहेंगे। वो देखो चिड़ी जो है कितने तरीके से वो बग वगैरह वहाँ से चुन रही है। ये पानी का बहाव जो है रोकने के लिए ये जो अंदर रखे हुए हैं, और लिलीज के पत्ते भी जो हैं कंवल के वो भी यहाँ पर हैं। ये देखें कि ये रिवर ओज है, यहाँ पर रिवर ओज जो है ख़त्म हो चुका है। ये जिमनास्टिक का कोई जिम वगैरह है, बड़ी सारी फिटनेस क्लास भी हो सकती है, होटल भी हो सकते हैं, आप खुद ही वर्कआउट कर लें जो क्या हो सकता है। इस तरह ये हेज भी लगाए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और हम तो ढूंढ डांड के ना शहर में से निकल के हम तो दरिया के किनारे किनारे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें नेचर बहुत पसंद है। अगर आपको भी नेचर पसंद आती है तो बराहे करम हमारा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब के फ्रेंड एंड फैमिली बन जाएं, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, मेरी हर वीडियो आप टाइम पर देख सकें। ग्लासेस किसी ने तोड़ के सके ठीक ही है। मैं बहुत ही प्यारा सा वॉटरफॉल बनाया हुआ है, तो उधर से काफ़ी लंबा जो वाइड सा वॉटरफॉल है, बहुत खूबसूरत पानी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर फिशिंग हो रही है, खूबसूरत सा पार्क है, और ये लंदन रोड है, वो ब्रिज जो है उसके ऊपर से लंदन को गाड़ियाँ जाती हैं। लंदन रोड पे आज एक्सीडेंट हुआ है किसी का, जो कोई गाड़ियाँ कुछ जली न्यूज़ में था, अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। फिर मैं तेनों नहीं ट्रबल च पाना, जड़ी चीज़ मैं अपने वास्ते नहीं ना करती वहाँ मैं किसी वास्ते भी नहीं करती। खा पी के कितना आराम ना बैठी है ना डक्स। ये देखें दरख्तों के जो पत्ते हैं टहनियाँ हैं ना, किस तरह बच्चों के हेयर कट की तरह इनको नीचे नीचे से काटा है, और सभी को एक लेवल पे ट्रिम किया हुआ है। उस तरह से यहाँ पर भी एक तालाब है पानी का, और यहाँ पे व्यू एरिया बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्यू करके आऊँ और आपको भी दिखाऊँ। वो देखें यहाँ पे बर्ड वगैरह हैं, ये एलगी है यहाँ पर, ये देखें। अगर मेरा मोबाइल गिर गया ना मेरे लेने दे देने पे हो जाएंगे। ये सारी एलगी है ग्रीन रंग की। यहाँ पे भी ये है जी सी व्यू है, और यहाँ पे कोई जानवर है वो अपने घोंसले में बैठ के शोर मचा रहा है। उसे कुछ आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि पौंड को साफ किया जा रहा हो। उधर देखिए आप ये जो डक है, स्वान है, मम्मी और डैडी स्वान वो बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे देखो कितने फर्मा बदारी के साथ कितना ओबीडियन तरीके से पीछे बैठे हुए हैं। मम्मी और डैडी आगे बैठे हुए हैं और पीछों के बच्चों को पीछे बैठाया हुआ है, और सारे अपनी बॉडी पर खाज कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये जब गर्मी होती है ना तो तब इस तरह बैठते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई हल वगैरह अंदर गया है,
और इस तालाब को साफ कर रहे हैं। ये देखें इनके बच्चे कितने कितने बड़े हो गए हैं, इधर से व्यू देखें आप। और वो देखें दूसरी व्यूइंग के लिए वो जो लोग उधर से देख रहे हैं, ये देखिए ये खूबसूरत सा व्यू है, ये देखिए उतने उतने बड़े माँ बाप नहीं है जितने जितने बड़े हैं। और ये देखिए कमाल करके बैठे हुए हैं पूछ करके, देखें आगे मेरे बर्ड बैठे हुए हैं। ग्रीन की तरह उसके पत्ते हैं और फलियां सिर लटक रही हैं। यहाँ पे भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लेके आए हुए हैं। हम स्ट्रीम की दूसरी तरफ हैं रिवर की, और यहाँ पर काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। वो देखें कितने सारे जो बर्ड हैं वो वहाँ पर नीचे हैं, और ऊपर बच्चे बटरफ्लाई ब्रिज पे खड़े हैं। और जो भी कर रहे हैं पे भी देखें, गोरा और गोरी में कितना इतफाक होता है। बुढ़े होके भी लड़ते झड़ते नहीं हैं और आराम से आके इकट्ठे वॉक करते हैं हाथ पकड़ के, और इकट्ठे सीटों पे बैठ के धूप सेकते हैं, और इकट्ठे खाना खाते हैं, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और हम लोग होते हैं आपस में लड़ते ही रहते हैं। आई जस्ट मेक अ 3D वीडियो नाउ द प्लेस आई एम स्टैंडिंग, आई एम एंजॉयिंग, लॉट्स ऑफ पीपल एंजॉयिंग हियर। The man just to park the truck up there, and this is the lake. I think he is on his break. He's cleaning this green algae in the water. वो देखें वो वाली जो है ना बोट, वो उसकी सफाई कर रही है सारी लेक की, और उसकी आवाज़ आ रही थी, मैं ढूंढ रही थी। वो देखें अब सफाई करके वो वापस आ रही है। इधर सारी जो है वो डक्स वगैरह हैं, या वो बोट है या ट्रैक्टर ट्राली है बोट की तरह, जो उसको सफाई कर रहा है। तो जब ये सारी लेक है साफ हो जाएगी तब फिर वो लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इधर देखें आपको बहुत ही प्यारी हमारी बटरफ्लाई ब्रिज है, और वहाँ पर जो एक औरत है वो बोट भी चला रही है, और बहुत खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। वो देखें इस तरह वो साफ सफाई कर रही थी। ये जो ग्रीन ग्रीन इकट्ठा हो जाता है तो फिर इसको सभी को साफ कर दिया जाता है। पहले इन्होंने जो बोट हैं वो सारी की सारी तैयार करके रखी हुई हैं, उनको पेंट कर दिया है और साफ़ सफाई कर दी है। अब ये जो है इस तरह जो स्ट्रीम की सफाई करेंगे, तो स्ट्रीम की सफाई करने के बाद ये फिर इस्तेमाल होगी। तो रोज़ लोग आएंगे, और अब ये साइड साइड से जो है ना इसकी सफाई की जा रही है।
अब वो कोने में जा चुका है, हो सकता है इस तरफ को भी आए। वो पीछे आपको बटरफ्लाई ब्रिज नजर आ रही है और ये सारी लेक है जिसमें वो वाली जो बोट खड़ी हैं वो हम चलाया करते थे, उसको हायर किया करते थे और सारी फैमिली उसमें बैठ जाती थी और बहुत ही मज़ा आता था। और अब तकरीबन बंद है, आज वो इस लेक की, इस स्ट्रीम की सफाई हो रही है, ये जो ग्रीन स्टफ है वो निकाला जाएगा और इसमें से निकाल के फिर वो करेंगे। ये देखें सारी जो डक्स वगैरह हैं, ये फूल वगैरह भी इस तरह के लग रहे हैं। यहाँ पर ये जी तालाब है, यहाँ पर हम करते हैं चलाया करते थे। और इधर मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये नेचुरल तौर पर फूल उगे हुए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। और वो जो सामने बोट थी वो हम हायर किया करते थे और उसमें बैठ के हम बोट चलाया करते थे। देखें जी बोट रखी हुई हैं और ये सारी की सारी इधर बोट स्टॉक की हुई हैं। ये सारी की सारी स्मॉल जेट होता है ना, एरोप्लेन जो होता है उस तरह की ये बोट होती हैं और इसका नाम है बेडफोर्ड रोइंग क्लब। तो जो इसके मेंबर होते हैं वो यहाँ पे चप्पू लेके इन बोट्स को चलाते हैं। अब हम आपको मज़े की चीज़ दिखाते हैं जो हम पहले भी दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे वोटरिंग मिल है, ये देखें जी चल रही है टरबाइन और एक पंखा बंद है और बिजली पैदा की जा रही है, प्रेशर के ज़रिए यहाँ पर पानी आता है। और इस तरफ से इस तरफ का सीन है, ये ब्रिज टूट गई है, अगर ज़रा कोई लीन करे तो इस पर गिर भी सकता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फिश खाने वाला जो है ना बर्ड उधर बैठा हुआ, वो देखें वो जब भी मछली नजर आती है तो वो खाता है। और ये देखिए पानी की आवाज़ कितनी ज़बरदस्त है और इतना ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और बहुत सारे लोग इधर इंजॉय भी कर रहे हैं। और आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इधर इंजॉय भी कर रहे हैं। इधर के पास किस तरह का सीन है, यहाँ पर लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। होता है पानी का लेवल है इसको चेक करते हैं, इन्होंने ये शूज़ भी पहने हुए हैं और जो पानी में चले जाते हैं और पानी का देखते हैं कि कितना डीप है और क्या कितनी हेल्थ है इसकी। इस तरह के ये इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर भी जो येलो रंग की बोट हैं ये रिवर को साफ़ करने के लिए हैं, ये पीछे हालसा लगा हुआ है तो इसको साफ़ करके रख देते हैं। और रिवर की दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि लोग आ जा रहे हैं और जो रोइंग क्लब की मेंबर्स हैं वो बच्चे हैं तो वो कश्तियां चला रहे हैं। कितना खूबसूरत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यह सारा कुछ आपके लिए बनाया होता है
ताकि आप ज़िंदगी में इसको देखें, एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्लिम स्मार्ट लड़कियां हैं और कितनी वो एक्सरसाइज करती हैं पहले, फिर जाके ये बोट चलाने के काबिल होती हैं। हमारे से तो ये बिल्कुल भी नहीं होता ना।